नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। अमित शाह ने बताया सरकार का प्लान, कहा आरटीआई का इस्तेमाल कम करना चाहती है मोदी सरकार। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के 14वें वार्षिक सम्मेलन को अमित शाह ने किया संबोधित, बतौर मुख्य अतिथि के रूप में किया शिरकत। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में आर्थिक मंदी से किया इनकार, कहा कैसे एक दिन में 3 मूवी ने कमाया 120 करोड़। रविशंकर प्रसाद ने नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़े को बताया गलत, कहा रिपोर्ट में सभी मुद्दों का नहीं किया गया है जिक्र। शो के दौरान टीवी चैनल पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पाकिस्तानी पत्रकार को लगाई फटकार, कहा तन्हा रह गया पाकिस्तान। आरबीआई गवर्नर का बयान, कहा सत्ता के केंद्रीकरण और इकोनॉमिक विजन की कमी से भारतीय अर्थव्यवस्था खराब। भारतीय रेलवे ने 250 से ज्यादा ट्रेनें की रद्द, कई ट्रेनों के बदले गए रूट। निर्भया कांड के 7 साल बाद वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने किया खुलासा, कहा पीड़िता का दोस्त चैनलों पर आप बीती सुनाकर वसूल रहा था लाखों रुपये। अंजुम ने कहा निर्भया का दोस्त दरिंदगी की दास्ता सुनाने के लेते थे पैसे। अजीत ने एक के बाद एक ट्वीट कर किए कई खुलासे। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी नेता को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुज्जर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को लिखा पत्र, बिग बॉस टेलीकास्ट बंद करने की लगाई गुहार। कई अन्य संस्थाओं ने भी बिग बॉस शो को लेकर जताई आपत्ति, करणी सेना ने भी शो के खिलाफ दर्ज की शिकायत। कांग्रेस की अनुशासन कमेटी बना मजाक, कई नेता कर चुके हैं पार्टी के खिलाफ बयानबाजी। स्टेचू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, महिला पर्यटक के गुस्से का हुए शिकार। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक ने मुस्लिमों को बताया देशद्रोही, पार्टी ने जारी किया नोटिस। पटना में तलाक देने का अनोखा मामला आया सामने, छोटे कपड़े और शराब पीने से मना करने पर शौहर ने दिया तलाक। बिहार बांका के जमुआ गांव ने पेश की मिसाल, पिछले 5 दशक से किसी भी ग्रामीण पर नहीं दर्ज हुआ है एक भी आपराधिक मामला। ग्रामीणों की 5 सदस्यीय कमेटी सुनती है लोगों की शिकायत, नजदीकी बेलहर पुलिस स्टेशन जाने के बजाय कमेटी के पास समस्या लेकर आते हैं ग्रामीण। दिवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, भारतीय रेलवे ने बढ़ाई स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट। किसानों के लिए कल्याण योजना में शिक्षा मंत्री का भी नाम शामिल, सुर्खियों में आने के बाद सूची से हटाया गया नाम। बिग बॉस शो में माहिरा शर्मा ने बिकनी पहनने से किया इनकार, कहा मेरे लिए क्लीवेज दिखाना भी बड़ी बात। भारतीय टीम के बल्लेबाज मनीष पांडे ने अभिनेत्री अश्रिता सेट्टी से रचाएंगे शादी, हाल ही में मनीष पांडे ने टीम इंडिया में की है शानदार वापसी। मीटू के सवाल पर भड़की दीपिका पादुकोण, कहा क्रिकेटरों से भी होनी चाहिए इस तरह की पूछताछ। सुरक्षा घेरा तोड़कर रोहित शर्मा से मिलने पहुंचे फैन, बचने के दौरान जमीन पर गिरे हिटमैन। विजय हजारे में 21 चौके और 10 छक्के जड़कर संजू सैमसन ने जड़ा शानदार दोहरा शतक, बनाए कई रिकॉर्ड। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।